Ms. Anuradha Tiwari, IAS Commissioner Garhwal, Uttarakhand, amongst us. Please welcome her with thundering round of applause. As Commissioner of Garhwal, Uttarakhand, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस भी आते हैं, पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वाली हेल्प के लिए थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन आपको रास्ता दिखाता है। मैम, पॉलिटिशियंस का कितना इंटरफेयर रहता है? तुम्हारी मम्मी को पता है कि उनको अपना काम करते हैं और आप अपना, पर दोनों का मकसद एक ही होता है। मैम, लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते मोटिवेशन को कैसे हम आप रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने खुद ही काफी अटेम्प्ट्स लगाए क्लियर करने में। यू नो, फियर और फ्रस्ट्रेशन इस जर्नी के फेलो पैसेंजर्स हैं और ये रहेंगे ही। तो अपनी जर्नी पे फोकस रखिए और फेलो पैसेंजर्स से बात करने की जरूरत ही क्या है। पर मैम, इतने सारे फेल अटेम्प्ट्स के बाद क्या कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब गिव अप कर देना चाहिए? ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। यू नो, जब आप एक लड़की होते हो एक ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जहाँ 22 साल में आपकी शादी कर दी जाती हो, आप इंडिया के एक बहुत ही बैकवर्ड हिस्से से बिलोंग करते हो और आपको इंग्लिश भी नहीं आती हो, और आप घर के बाहर सिर्फ अपनी दीदी की जिद की वजह से पढ़ रहे होते हो, और उस पर आप लगातार फेल पे फेल होते जाते हो, हर रोज लगता था कि गिव अप कर दूं, और शायद कर भी देती, एक्चुअली डेफिनेटली कर देती। पर उसी वक्त मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उस बात से मेरा एटीट्यूड 180 डिग्रीज फ्लिप कर गया। क्या आप वो बात सुनना चाहेंगे? तो एक स्टोरी सुनिए। 1981 में यूएस में एक प्रोफेसर थे, सेरेमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपनी क्लास को दो ग्रुप्स में बांट दिया और 10 दिन का वक्त दिया। पहले ग्रुप को उन्होंने ये टास्क दिया कि वो सिर्फ एक परफेक्ट मटका बनाए, सिर्फ एक, और दूसरी ग्रुप को ये टास्क दिया कि वो जितने हो सके मैक्सिमम मटके बनाए और क्वालिटी की चिंता बिल्कुल ना करें। दोनों ग्रुप्स ने अपना काम शुरू किया। 10 दिन बाद जब रिजल्ट्स आए तो खुद प्रोफेसर ही हैरान हो गए, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने न केवल पहले ग्रुप से ज्यादा मटके बनाए, बल्कि हर मटका वाज बेटर लुकिंग, वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। सब सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। आप जानते हो ये कैसे हुआ? क्योंकि पहला ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी बात को लेकर अटका रहा कि एक मटका बनाना है, इसको परफेक्ट कैसे बनाए, तो उन्होंने सारा टाइम परफेक्शन में ही गुजार दिया। जबकि दूसरे ग्रुप ने एक बार कोशिश की और बहुत बुरे मटके बनाए, पर उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और दोबारा कोशिश करके फिर से मटके बनाए। वो फेल हुए पर इम्प्रूव करते रहे, और ऐसे ही अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन्होंने शानदार मटके बनाए। तो इसीलिए आप अपनी गलतियों से डरिए मत, भागिए मत, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बात को बताने वाले शख्स हमारे साथ यहां मौजूद हैं। पर आप उनसे पहली बार मिलोगे ना तो लगेगा जिंदगी बहुत ही होपलेस है। पर प्रकाश सर, इट वर्क्ड फॉर मी। बेटा, यू वर लकी। अगर ये पॉटवेल एक्सपेरिमेंट मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मैं भी अपना चौथा अटेम्प्ट देता और फिर आज पोडियम पर तुम्हारी जगह मैं खड़ा होता। पर इट्स ओके सर, जो फेल होता है ना वही बता सकता है कि कहां गलतियां ना करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। क्यों? एवरेज प्लेयर ही बोलते थे बेटा। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है।